एस वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 67। अ बुलेट पासिस पास्ट अ पर्सन एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विस्लिंग साउंड हर्ड बाय द पर्सन एज अ बुलेट क्रॉसेज द पर्सन। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल में एक पर्सन खड़ा हुआ है रेस्ट में और एक बुलेट उसकी तरफ आ रही है और उसे क्रॉस करने वाली है जिसका स्पीड होगा 220 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर दी हुई है हमें 330 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या है कि ये बुलेट पहले तो यहाँ पे इस तरह से आ रही है तो ये पर्सन जो विस्लिंग साउंड सुनाई देगा वो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी लेट से उसकी फ्रिक्वेंसी म्यू1 डैश होगी। अब मतलब अप्रोच हो रही है बुलेट और वो जब क्रॉस हो रही है मतलब वो रिसीडिंग कंडीशन में जब दूर जा रही है तब वो जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ अपेरेंट फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ विस्लिंग साउंड हर्ड बाय पर्सन। तो बुलेट जब आ रही थी तब जो साउंड सुनाई दे रहा था उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होगी, क्रॉस हो रहा है रिसीडिंग हो रही है तब फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो उनमें चेंज जो होगा फ्रिक्वेंसी में वो चेंज कितना हुआ डेल्टा म्यू डैश, जो चेंज होगा वो म्यू वन डैश माइनस म्यू टू डैश मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे। दिस इज अ चेंज इन अपेरेंट फ्रिक्वेंसी। हमें क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल चेंज मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नहीं लेकिन इनिशियल फ्रिक्वेंसी जो थी, मतलब इनिशियल अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो थी। तो ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है तो पहले हमें तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। वो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करते हैं बाय डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है उससे। तो ये क्या आएगा डॉपलर इफेक्ट से अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो मिलता है हमें वो वी प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स और इनटू अ रियल फ्रिक्वेंसी जो कि इस सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितनी 330। अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये जीरो आएगा डिवाइडेड बाय 330। सोर्स अप्रोच हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही तो डिनोमीटर कम होना चाहिए। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वो कितना है तो वो दिए 220 मीटर पर सेकेंड। और ये एमयू जो नहीं पता है हमें इतनी आएगी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी वन मतलब एमयू वन डैश कितना आ गया 330 कितना आएगा 110 और ये म्यू ये होगा इक्वेशन वन। अब म्यू टू अपेरेंट फ्रिक्वेंसी टू मतलब जब ये बुलेट रिसीडिंग हो रही है दूर जा रही तब वो फ्रिक्वेंसी क्या आएगी तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज करते तो वी मतलब ये 330। अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये वही रहेगा न्यूमरेटर में 330 डिवाइडेड बाय ये 330। अब ये सोर्स दूर जा रहा है तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी कम होगी तो डिनोमीटर बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं और प्लस वी एस मतलब 220 मीटर पर सेकेंड 220 और ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी तो ये म्यू टू डैश कितना आ गया 330 डिवाइड बाय उनकी एडिशन करते तो 550 और ये तो ये 1 और 2 इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसे इक्वेशन ए लिखते हैं। तो फ्रॉम ए डेल्टा म्यू डैश कितना बनेगा तो ये म्यू वन डैश जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है तो बड़ा कौन सा होगा तो ये 3 के आसपास आएगा और ये कम आएगा मतलब इससे ए माइनस करते तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये 330 और ये म्यू भी अंदर ले लेते डिवाइडेड बाय 110 ये आ गई म्यू वन डैश की वैल्यू माइनस म्यू टू डैश मतलब ये 330 म्यू डिवाइडेड बाय 550 होल डिवाइडेड बाय ये म्यू वन डैश मतलब ये 330 म्यू डिवाइडेड बाय ये म्यू वन मतलब ये 110 तो डेल्टा म्यू डैश। अब सभी में 330 म्यू कॉमन ले लेते तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये कैंसिल होगा तो क्या रहा है यहाँ पे 110 माइनस 1/550
डिवाइडेड बाय 1/100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो डेल्टा म्यू डैश तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 550 - 110 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 550 × 110 होल डिवाइडेड बाय 1/ इतना, मतलब डेल्टा म्यू डैश इज इक्वल टू इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 440 डिवाइडेड बाय ये 550 × 110। अब ये जो नीचे 1/ ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो इसके लिए ये चला गया, इसके लिए ये चला जाएगा और 11 4 जा 11 5 जा और 5 इसे 4 से डिवाइड करेगा, तो ये आंसर आएगा डेल्टा म्यू डैश इज इक्वल टू 0.8 हर्ट्ज।